गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के राजपथ पर हरियाणा राज्य की झांकी इस बार सभी का दिल जीत लेगी, क्योंकि इस बार की झांकी समर्पित की गई है खेल के क्षेत्र को। गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की झांकी इस बार भारत के गौरव का प्रदर्शन करती दिखाई देगी। हरियाणा खेलों में नंबर वन की थीम पर तैयार हरियाणा राज्य की झांकी पर सवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की मौजूदगी इसे दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनाएगी। चलिए बात झांकी की करते हैं और बताते हैं आपको कि झांकी में क्या क्या खास होने वाला है। झांकी के अगले हिस्से में घोड़े और शंख लगाए गए हैं, जबकि झांकी के दूसरे हिस्से को चार भागों में बांटा गया है। इसके पहले भाग में ओलंपिक की तर्ज पर बने अखाड़े में दो पहलवान खिलाड़ी कुश्ती का डेमो देंगे। इसके पीछे के दो हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हरियाणा के 10 ख्याति प्राप्त खिलाड़ी खड़े होंगे। वहीं झांकी के आखिरी हिस्से पर भाला फेंकने की मुद्रा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की प्रतिकृति बनाई गई है। झांकी के दोनों ओर हाई रिलीफ में हरियाणा के चुनिंदा खेलों जैसे बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, शूटिंग और हॉकी के खिलाड़ियों की गतिविधियों को उकेरा गया है। अब इंतजार कीजिए 26 जनवरी का, जब हरियाणा की ये झांकी राजपथ पर राज्य के साथ साथ देश के गौरव को चार चांद लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।